बेचारे पापा की रोटी बेटी। अब खेत में चपाती रोटी खाना पहुंचाने से पहले सावधान हो जाओ, बिटिया बहुरिया के हाथों मत भिजवाया करो वरना काटता है। रास्ते में सुनील नाम का दरिंदा मिल जाएगा, देह नोचने वाला हवस का पुजारी मिल जाएगा, जो छेड़खानी करेगा हाथ पकड़ कर गन्ने के खेत में घसीटेगा। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के मीरगंज का, भैया गाँव का नाम बताना उचित नहीं समझेंगे। एक लड़की के साथ छेड़खानी होती है और ऐसी ऐसी वारदात होती की काटता है। अब मेडिकल चेकअप हो रहा नाबालिग लड़की का, पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लेकिन देख लो भैया कहा बताए, ऐसे ऐसे दरिंदे गाँव में घुमा करते, पुलिस वाले ना जाने कब कार्रवाई करेंगे। अरे दो तीन लाठी उठाइए, मार गया ऐसे दरिंदे देखो जो बकदा ऐसी छेड़खानी वाली हरकतें करते हैं। वैसे भैया सुनिए किस प्रकार से आप बीती बिचारी बिटिया सुना लेते, अगर चिल्लाती ना तो कहा बताए, बहुत बड़ी घटना घटित हो जाती। मैं खेत पे जा रही पापा की रोटी लेके, तब वो गन्ने की मेड़ पे खड़े थे और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा गन्ने में ले जा रहे थे, तब तो मैंने सूट काट दी, मेरे भाई आ गए, हम गाँव पे आ गए। कौन थे? गाँव पे थे। कौन कौन थे? सुनील नाम का। अच्छा, कितने बजे की घटना है ये? 10 बजे की घटना है। तो आप खेत पे क्या करने गई थी? खाना देने गए थे पापा। किसको? पापा। तो उसने क्या कहा था आपसे? उसने मुझसे कुछ नहीं कहा था, मैं आ रही थी, उन्हें मेरा हाथ पकड़ा गन्ने में ले जा रहा था, तब तक मैंने शोर काट दिया। अच्छा, तब तक मेरे भाई आ गए। आप पढ़ती हैं? हाँ। तो जब यह हवस का पुजारी सुनील भैया हाथ से पीछे नहीं पड़ा, जब ये स्कूल जाती है बिटिया तब भी इसका पीछा करता है, छेड़खानी कब करने का प्रयास करता है। स्कूल में पढ़ी जाती थी, जो बदनाम की वजह से इसने कुछ कहा नहीं। अच्छा, पहले भी छेड़छाड़ करी है उसने? अब सबसे बेशर्मी वाली बात सनी गोस्वामी यही लोग करते हैं कि जब बकायदा पहली बार छेड़छाड़ होती है तो पुलिस के पास रिपोर्टें नहीं दर्ज करवाते, वरना अब तक ऐसे दरिंदे हफ्सियों को दो चार लाठी पड़ चुकी होती है, बकायदा सड़ रहे होते जेल में और सारा बकायदा भूत माथे से उतर जाता जितना फिर दूर चला हुआ था। फिलहाल भैया शिकायत किए हैं तो पुलिस कार्रवाई करने में जुटी हुई है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और एक बार बता तुम यार, मुंह में जो ठूसे पड़े हो ये गुटखा खाना कम कर दो वरना बवासीर हो जाएगा और करेजे में कैंसर हो जाएगा, बंद करो ये गुटखा खाना। वैसे दूसरी खबर, बाराबंकी जब रामनगर से आ गया, रात को भी हमने खबर भी लगाई थी, बहुत जोर का विस्फोट हो गया था, एक दर्जन से अधिक लोग झुलस गए थे। तो आज समाजवादी के दिग्गज नेता पहुंचे थे अरविंद सिंह गोप जी, भैया हालचाल लेने के लिए लोगों से पूछ रहे थे क्या तबियत ठीक है कि नहीं है, बहुत ज्यादा झुलस गए, देखो भैया किस प्रकार से लोगों से पूछ रहे थे, बगदा मरीजों से हालचाल ले रहे, तीमारदारों से बतिया रहे थे। पर फिलहाल बाराबंकी जब समय रामनगर के लिए और बरेली के लिए सनी गोस्वामी के साथ आदर साहब के वीडियो को शेयर करा लो यार, चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर सर्जरी खबर से मिलेगी, जाओ सब्सक्राइब करो चैनल को यार, कहना पड़ेगा शेयर करा लो, अभी तक एक वीडियो नहीं शेयर किया, शेयर करो तुरंत।